ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन गतितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यहाँ उपस्थित सर्वपूजनीय स्वामीगण, ब्रह्मचारी वर्ग और आध्यात्मिक शिविर में उपस्थित भाई और माताओं, विषय अभी जो बताया जिज्ञासु के लिए गीता का उपदेश या साधकों के लिए गीता का उपदेश, हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का एक विशेषता है। जो धर्मशास्त्र हमारे है उस सभी की शुरुआत देखिए, ये साधकों की जिज्ञासु वृत्ति से हुई है। उसके अंदर कुछ तो जानने की इच्छा हुई और उससे वो शास्त्र निर्माण हो गया। हम ब्रह्म सूत्र जो सभी शास्त्रों का निचोड़ कहते हैं वो भी देखिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सभी उपनिषद देखिए, कठोपनिषद देखिए, नचिकेता की जिज्ञासा थी, यम ने उसका उत्तर दिया। श्वेताश्वेतर उपनिषद, उसमें भी यही है, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता, ये ब्रह्म का जगत का कारण क्या है, कहाँ से ये जगत आया, कैसे निर्माण हुआ, कहा जाता है। तो ये साधकों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ और उसका उत्तर ऋषि मुनियों ने उनके ध्यान के द्वारा जो उनको रियलाइज हुआ वो दिया और ये शास्त्र निर्माण हुआ। तो जो जिज्ञासु है, साधक है, उनके कारण ही शास्त्र की निर्मित हुई है। लेकिन गीता एक ऐसा शास्त्र है, उसके अंत में हर एक अध्याय के आखिरी में आप देखिए, गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, माने उपनिषद भी है, योग शास्त्र भी है, सब कुछ है, श्रुति स्मृति पुराण सब कुछ उसमें आ गया। ऐसा एक अद्भुत ग्रंथ है और वो क्या है, साक्षात भगवान के वर्ड है, भगवान के शब्द है वो। इसलिए उसको कहा है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, मैंने ये सर्व उपनिषद जो है ना, जो उपनिषद मैंने हमारे वेदांत का अंतिम भाग जिसको हम लोग कहते हैं एसेंस ऑफ द वेदांत उपनिषद, सर्वोपनिषदो गावो मैंने सब उपनिषद की गैया है, गाई है। तो क्या है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, तो ये गाई का दूध धोने वाला कौन है, साक्षात गोपाल नंदन, साक्षात श्री कृष्ण। और क्या आगे क्या कहा है कि पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत, तो ये गैया दूध किस लिए देते हैं, अपने बछड़े के लिए देती है। तो बछड़ा कौन, पार्थो वत्स, पार्थ माने अर्जुन, अर्जुन उस गया का बछड़ा है, इस उपनिषद रूपी गया का बछड़ा अर्जुन है। उस बछड़ा के रूप से, बछड़ा को उस गया के जो बछड़ा अर्जुन है उपनिषदों का हमारे लिए एक प्रतिनिधि स्वरूप, उस अर्जुन के लिए भगवान ने ये दूध दोया है, अर्जुन निमित्त है हमारे लिए। और ऐसा अद्भुत ये गीतामृत रूपी दुग्ध हमारे सामने भगवान ने रखा है। गीता तो ऐसे बहुत सी है, व्याद गीता, उद्धव गीता, अष्टावक्र गीता, तो ये हम लोग भगवद गीता कहते हैं, साक्षात भगवान के मुख से आई है। और ये कहा है महाभारत, मैंने जैसे कहा ना, ये हमारी शुरुआत जिज्ञासु वृत्ति से हुई, अर्जुन के मन में भी एक जिज्ञासा निर्माण हुई, प्रश्न निर्माण हुआ और कहा युद्ध करने गए थे, युद्ध के समय युद्ध छोड़ के उनके मन में ही ऐसी धर्मशास्त्र की एक कोई जिज्ञासा निर्माण हो गई, अभी मैं क्या करूं, मेरे सामने सब सब मेरे जो आत्मीय है मैं क्या करूं, और उसका निमित्त बनाकर भगवान ने इतना बड़ा ज्ञान का भंडार हमारे सामने रखा। जो मैंने हमने अभी एक श्लोक पढ़ा ना, पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम, ये पार्थ मने अर्जुन, अर्जुन को उपदेश देने के लिए भगवता नारायणेन स्वयं, ये अर्जुन को
निमित्त कर साक्षात नारायण ने श्री कृष्ण ने हमारे लिए ये दिया। कहाँ से मिला ये? व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिनाम मध्य महाभारतम। व्यास ने भगवान के मुख से जो निःसृत हुई थी ये गीता रूपी अमृत, व्यास देव जी ने उसको संग्रह कर महाभारत में उसको रचना के समय महाभारत में डाला। ये महाभारत के अंदर से ये गीता हमें मिली है। अद्वैतामृत वर्षणी, ये अद्वैत का अद्वैतुती अमृत का अद्वैत रूपी अमृत का वर्षण करने वाला ऐसा ज्ञान। अद्वैतामृत वर्षिणी भगवतीम अष्टादशादिनी, ऐसे अष्टादश अध्याय वाली ये गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त कर हमारे सामने रखी है। अम्ब ताम अनुसंधामी भगवद गीते भवदेशिनी, इसको माँ कहा गया है। ऐसे भगवद गीता ये पूरा हमारा जो संसार का जो बंधन है वो तोड़ने वाली ऐसे एक अद्भुत गीता हमारे सामने भगवान ने दी है। इसमें व्यासदेव ने जो गीता महाभारत में उसकी रचना की उसमें डाली, उसके बाद उन्होंने एक श्लोक उसके बाद उन्होंने वहाँ कहा है। वे कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरेत या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनुसृत। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता सुगीता करने लायक है, हमारे जीवन में लाने लायक ऐसा गीता का ये ज्ञान है, और अन्य कोई शास्त्र की जरूरत ही नहीं। किमन्य शास्त्र विस्तरेत, और कोई शास्त्र की हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा ही गीता रूपी ज्ञान है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृत, साक्षात भगवान विष्णु के श्री कृष्ण के मुख से विनिसृत हुई है, ऐसा ही ज्ञान हमारे लिए है। तो जैसे मैंने कहा एक वार्ता सुनाऊंगा, तो साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। यहां भी व्यास जी कहते हैं ना कि मुख पद्मात् विनिसृत पद्मनाभस्य, पद्मनाभस्य मैंने भगवान विष्णु के श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ ज्ञान है, साक्षात उनकी वाणी है। एक एक शब्द भगवान का शब्द है, उसको कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते। एक उसका छोटा सा उदाहरण, गीता के ऊपर बहुत से भाष्य लिखे गए हैं, शंकराचार्य जी का है, कितने भाष्य है, श्रीधर स्वामी जी का भी एक भाष्य है, श्रीधरी टीका कहते हैं उसको। बहुत पंडित थे, विद्वान थे श्रीधर स्वामी। उन्होंने जो भाष्य लिखते लिखते नवे अध्याय में एक श्लोक आता है, नवे अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्या चिंतये तो माम ये जो ना पर्युपासते तेषाभि नित्यायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये एक श्लोक आता है। तो श्रीधर स्वामी यहाँ रुक गए, उन्होंने सोचा इस भगवान वहाम्यहम् शब्द है वो उनको थोड़ा कटक गया। उन्होंने कहा भगवान वहां में मैंने क्यारी करके उसको उठा के ढो के लाते हैं, ये भक्त के लिए भगवान क्यों ढोएंगे, ये थोड़ा गलत लग रहा है, भगवान क्या कुली है हमारा है। वहां उन्होंने वो शब्द काटा, वहां में हम काट कर उन्होंने वहां लिखा ददाम में हम। उनको लगा भगवान हो सकता है युद्ध भूमि पे थे, थोड़ा गलती हो गई होगी, तो ये थोड़ा कैसा तो लगता है, ये कोई भगवान तो हमारा नहीं है। उन्होंने काट कर वहां ददाम में हम लिखे, और वो उसके बाद वो गंगा स्नान के लिए चले गए। तो इतने में क्या हुआ, एक छोटा सा बालक एकदम राजकुमार जैसा उसका स्वरूप था, उसके सर के ऊपर बहुत का माल था, कराना का माल सब वो ढोके वो लेके आया है, और श्रीधर स्वामी के घर के सामने आकर खड़ा है। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी श्रीधर स्वामी की, वो बाहर आई तो देखा एक बालक है, उसके सर के ऊपर इतना बड़ा सामान दिया है, छोटा सा बालक, और बेचारा सामान लेके आया है और उसके होठों से खून गिर रहा है। तो ये माता ने उनको पूछा, बालक इतना छोटा सा तुम, इतना सुंदर बालक और तुम्हारे सर के ऊपर इतना बोझा दिया है, और ये भी तुमको मारा किसने? तो उसने कहा ये आपके ही पति है, उन्होंने मुझे ये दिया और कहा कि घर में पहुँचा दो, और मुझे एक झापड़ लगा दी तो मेरे होठों से खून आने लगा। तो उनके धर्मपत्नी को, श्रीधर स्वामी जी की धर्मपत्नी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा अभी आने दीजिए घर में। अभी आत्मदीपान जी महाराज ने कहा ना जैसे आज ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने भी यही सोचा कि अभी आने दीजिए उनको दिखाऊंगी।
तो जब श्रीधर स्वामी घर में लौटे तो उन्होंने कहा कि क्या आपको इतनी भी बुद्धि हुई है, ये गीता के ऊपर भाष्य लिखते हैं, इतना सब करते हैं, और एक छोटे से बालक राजकुमार जैसा बालक उसके सर के ऊपर इतना बोझा दिया और उसको ऊपर से मार दिया। बोले कौन सा बालक, कौन सा बोझा और किसने मारा? तो उन्होंने कहा देखो ये सामान यहाँ पड़ा है, ये बालक एक आया था, उसने सामान दिया और उसके ओंठों से खून आ रहा था। तो श्रीधर स्वामी समझ गए, उन्होंने जाके गीता में वो जो शब्द बदला था ना वहां में हम उसको काटा, और वहां वो जैसा ददा में हम किया था उसको फिर से काट कर जैसा भगवान ने बोला है वहां में हम वैसा ही रखा। कि भगवान खुद वहां के दोनों प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, भगवान खुद सर पे वो सब लेके आए, ढो के आए। तो भगवान की वाणी है, भगवान का शब्द है, वो साधकों के लिए एक अमृत है, उसको एज इट इज कोई भी शंका के बिना भी हम लोग लेंगे तो जीवन में हमारा कल्याण अवश्य होगा। अभी थोड़ा सा समय है दूसरी कहानी संक्षिप्त में, सत्य कथा। एक बार हम लोग थोड़ा हिमालय की तरफ गंगोत्री के थोड़ा पहले हर्षिल करके एक जगह है वहाँ गए थे, और कार्तिक पूर्णिमा में वो उत्तरकाशी के बाद वाला जो एरिया है सब खाली होता है, वो सभी बर्फ गिरते हैं, तो वहाँ जो रहने वाले लोग हैं सब अपना सामान विमान लेकर घर में ताला लगा के वो लोग इधर नीचे आते हैं। तो हम दो दिन साधु लोग थे तो हमको थोड़ा भिक्षा के लिए जाना था, तो हर्षिल और धराली करके एक जगह है वहाँ हम लोग भिक्षा के लिए गए थे। तो एक घर में एक 70-75 साल के बुजुर्ग थे, तो एक वरांडे में बैठे थे, और हम लोग गए तो उन्होंने कहा स्वामी जी आइए आइए बैठिए बैठिए, बिठाया। फिर बोले अभी भोजन तैयार हो रहा है, थोड़ा बैठिए, भोजन गरम गरम भोजन आप लेके यहाँ से पधारिए। तो हम बैठे तो ऐसी बातें निकली पुरानी, तो वे कहने लगे आप लोग कहाँ से आए, ऐसा पूछा। हमने कहा भाई हम लोग ऐसे ऐसे है, कभी साल में एक आध महीना आते हैं थोड़ा एकांतवास के लिए। तो हाँ स्वामी जी आजकल महात्मा लोग बहुत कम हो गए, और पहले तो हमने ऐसे ऐसे महात्मा देखे हैं, कितनी विभूति थी, हमारे पिताजी तो उनको जाके पकड़ कर खिलाते थे, इतने ध्यान में लगे रहते थे, ऐसे महात्मा थे। तो हमने कहा भाई आपको कोई पुराने महात्मा की कोई एकादी यादगार होगी तो हमको बताइए। तो उन्होंने कहा एक सुंदर घटना बताई, यही श्लोक जो 9वें अध्याय का जो मैंने कहा अनन्या चिंतयतो माम, यही श्लोक के बारे में उन्होंने कहा। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन धार्मिक थे, थोड़ा गीता का उनका ज्ञान था। उन्होंने कहा मैंने मेरे आँखों से घटना देखी है, मैं बच्चा था 12-13 साल का था, तो मेरे पिताजी जो भी साधु संन्यासी आते थे उनको बहुत प्यार से उनकी सेवा करते थे, खिलाते थे, कुछ दक्षिणा देते थे। तो ऐसे एक महात्मा आए, हमारे पिताजी उनको बहुत सम्मान के साथ खिलाया, और उसके बाद उनको दक्षिणा जो कुछ देना है दिया, और दो घर से अंदर से दो शाल लाके दक्षिणा और वो शाल उनके हाथ में दी। जैसे शाल उस महात्मा को मिली वो रोने लगे। तो मैं भी बच्चा था, मुझे भी नहीं समझा मेरे पिताजी ने क्या गलती की। तो ये पिताजी भी उस महात्मा को क्षमा याचना करने लगे कि हमारी क्या भूल हुई बताइए, मैं इतने श्रद्धा से आपकी सेवा की, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहने लगे भूल आपकी नहीं, भूल मेरी हो गई। तो क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैं भिक्षा को निकलने के पहले गीता का पाठ करता हूँ, और आज मैं यही अनन्या चिंतयतो माम ये श्लोक पढ़ रहा था। तो उसमें आता है कि जो मेरी चिंता करता है, मेरा चिंतन करता है, उसकी योग और क्षेम, योग माने जो हमारे पास हमको जो मिलना चाहिए वो, और जो है उसको टिका के रखना, ये योग क्षेम सब कुछ भगवान उसका भार लेते हैं। तो मेरे मन में आया कि क्या भगवान सही कहा है, अभी इतने साल से मैं घर बार छोड़ के आया हूँ, ध्यान जप कर रहा हूँ, ना मुझे कुछ दर्शन हुआ, ना कुछ ऐसा कुछ प्राप्ति हुई, तो क्या मैं तो उनके चिंतन कर रहा हूँ रात दिन, फिर मुझे क्या भगवान ने दिया, क्या हुआ? तो मैंने ऐसा किया कि आज मुझे यदि पीले कलर के दो शाल भिक्षा के रूप में मिलेंगी तो मैं मानूंगा कि ये भगवान ने जो वचन दिया है
वो सही है। खाली मन में एक मैंने भगवान की परीक्षा लेने के लिए मन में ये ठाना और आज ऐसी घटना हो गई। तो भगवान के शब्द है, भगवान की वाणी है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। गीता का एक एक शब्द, उनकी वाणी अक्षरशः सत्य है। तो ऐसा ही अद्भुत शास्त्र हम साधकों के लिए भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से हमारे सामने आया है। हम उसको भगवान के शब्द मानकर बिना संशय से उसका पाठ करेंगे, उसका ऊपर चिंतन करेंगे, जीवन में लाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन सफल हो जाएगा।